औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा उन मेरे भाई बहनों के लिए जो वज़ाइफ़ करते हैं, अमलियात करते हैं, नक्श बनाते हैं, उनके साथ रुज्जत हो जाती है, यानी कि काम करते हैं तो उलट होता है, जितनी मर्ज़ी पढ़ाई कर लें असर नहीं होता, तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये रुज्जत की निशानियाँ होती हैं। तो अगर आप कोई वज़ाइफ़ करते हैं, अमल करते हैं और आपके साथ ये मसला होता है, तो ये वजीफ़ा आप कर लिया करें इंशाअल्लाह ताला। कोई भी अमल करें जायज़ मकसद के लिए तो रुज्जत नहीं होगी। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 21 मरतबा दुरूद शरीफ नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर इंशाअल्लाह लिख दें, उनको रूहानी इजाज़त है। व्हाट्सअप पर या कमेंट्स बॉक्स में आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान वजीफ़ा है, बहुत ही आसान अमल है। करना ये है कि जब भी आप वजीफ़ा करने लगते हैं किसी भी मकसद के लिए, लेकिन जायज़ मकसद हो, नक्श बनाना लगते हैं या कोई अमल करना शुरू करते हैं, जैसे लोग 41 दिन का, 19 दिन का, 21 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, मुख्तलिफ उनकी डेज़ होते हैं, तो आपने जब भी वजीफ़ा अमल करना है, आपने अल्लाह के चार सिफाती नाम जो आपको लिखे नज़र आ रहे हैं, या हाफिज़ हो, या हफीज़ हो, या रकीब हो, या वकील हो, इस उनको सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। चारों नामों को एक साथ चारों नाम पढ़ें और 11 मरतबा इनको पढ़ लें। उसके बाद आप अपना अमल करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वजीफ़ा है, नक्श है, अमल है, इंशाअल्लाह ताला रुज्जत नहीं होगी, रुज्जत से हिफाजत रहेगी जब भी आप करें। सिर्फ शर्त यह है कि जायज़ मकसद के लिए हो, ऐसा नहीं कि जायज़ काम करना चाह रहे हो, कुछ जादू करना चाह रहे हो और आप रुज्जत से बचने के लिए ये चीज़ें करें, ऐसा नहीं है। तो जो भी कुरानी वजीफ़ा है, कुरानी अमल है, सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करना चाहिए। बेशक हर बीमारी, हर मुश्किल का इलाज कुरान पाक से है, लेकिन जायज़ मकसद के लिए नाजायज़ नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।